الله سبحانه وتعالى كي سنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ उसी के लिए है और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की ताकत अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं उसी की सारी नेमतें हैं उसी का फजल है और उसी के लिए खूबसूरत तारीफ है अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं हम उसी के लिए दीन में इखलास रखने वाले हैं अगरचे काफिर नापसंद करें यह दुआ हम नमाज के बाद पढ़ते हैं और इसमें आपने देखा की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तला की हमदोसना है अल्लाह तला की तोहिद का बयान है अल्लाह तला की सिफात का बयान है जब बंदा अल्लाह सुबहान तारीफ करता है शिरक से बारात और अल्लाह तबादत का इकरार करता है तो ये दुआ की अला तरीन किस्म है ये जबान हाल से इंसान पुकार रहा होता है यार अब मैं तेरा मोहताज हूँ और मेरे सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तेरे ही पास है क्यूँकी तू हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है और फिर अल्लाह सुबहान की तारीफ हर हाल में चाहे हमें कोई परेशानी हो दुख हो तकलीफ हो हम अपनी तकदीर के वाक होने से घबराए हुए हों फिर भी अल्लाह सुबहान तला से बदगुमान नहीं होना बदजन नहीं होना दूर नहीं होना नाराज नहीं होना बल्कि पलट पलट कर उसी की तरफ रुजू करना है और उसी की तारीफ करते रहना है तो हर किस्म की तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है वही है जो लाचार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है वही है जो मजलूम की मदद करता है जब वो उसे बुलंद आवाज से पुकारता है और वही हर तकलीफ को हमसे दूर करता है और हर बुराई को हमसे हटा देता है हमारा दिल उसी के जिक्र से जिंदा होता है हमारे मामला उसी के हुक्म से वजूद में आते हैं और हमारी मुश्किल उसी की रहमत से दूर होती है हमें उसी की दी हुई हिफाजत से हिफाजत मिलती है और मुश्किल उसी के आसान करने से आसान होती है हमें इतात और इबादत और दुआ की तोफीक भी उसी की रहमत से मिलती है वही देता है इसलिए पलट पलट कर हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए उसी की तरफ लौटना चाहिए हमारी जिंदगी में बहुत से वाकियात ऐसे होते हैं कि जो हमें नागवार होते हैं लेकिन वो हमारी तकदीर का हिस्सा होते हैं हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो क्या वजह है कि ये हादसा मेरी जिंदगी में हो गया है ये मुश्किल मेरे यहाँ पेश आ गई है ये अल्लाह की दी हुई तकदीर में से है हमें जो भी तकलीफ आती है चाहे इंडिविजुअली चाहे खानदान की सतह पर और चाहे इज्तमाही तौर पर पूरी दुनिया में चाहे वो जी तौर पर कोई बीमारी हो या वो फिर पेंडेमिक हो हर तकलीफ सिर्फ अल्लाह के इजन से ही आती है और वो तकदीर का हिस्सा होती है अल्लाह सुबहान तला का इर्शाद है इनसे कहिए हमें अगर कोई मुसीबत आएगी तो वही आएगी जो अल्लाह ने हमारे मुकदर कर रखी है वही हमारा सरपरस्त है और मोमिनों को अल्लाह ही पर तोल करना चाहिए ये हमारे अकीद तकदीर का एक हिस्सा है ये कोई भी चीज हमारी जिंदगी में नहीं होती मगर ये की वो अल्ला ही का फैसला होता है तकदीर ही का एक हिस्सा होता है कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती मगर वो जो अल्लाह ने पहले से लिख रखी है कहाती है और फिर सिर्फ मुसीबत ही थोड़ी आती है बहुत सी खैर और भलाई भी पहुँचती है तो कुल्लई यूसीबना में सिर्फ मसायब नहीं है इसमें नियमतें भी है जो नियमतें और राहतें आती है हमारी जिंदगी में वो सब तक तीर इलाही का हिस्सा है जब इंसान को ये मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ से जो तकदीर में लिखा है वो हर सूरत में पूरा होना है तो इंसान के लिए मुसीबत बर्दाश्त करना आसान हो जाता है ये चीज उसके हौसले में इजाफा कर देती है कि अल्लाह सुबहान तला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हो वह मऊलान वो तो हमारा मौला है हमारा मालिक है हमारा मुहाफिज है हमारा मददगार है और फिर उसके मौला होने का तकाजा ये है कि वो हमारे दीनी और दुनियावी तमाम मामला में हमारी सरपरस्ती करे और हमारे लिए उसके बंदे होने में क्या लाजिम है कि हम उसकी कजा कदर पर राजी रहे जो फैसले वो हमारे बारे में करे हम उस पर एतम करें कि वो जुल्म करने वाला नहीं है उसने जो भी फैसला किया जो नमत दी या जो तकलीफ उसकी तरफ ऐसी आई ये सब उसी का फैसला है हमारे अख्तियार में ये नहीं है की अल्लाह सुबहान तला की मर्जी से आई है और हमारा इस पर यकीन है कि वो अपने बंदों पर कोई जुल्म नहीं करता अल्लाह सुबहान ताला के हर फैसले में इंसान के लिए भलाई है यानी वो खैर का फैसला हो या जिंदगी में आपके कोई तकलीफ आ गई हो उसमें खैर ही खैर है बंदा मोमिन का तकिया कलाम क्या होता है इसमें भी खैर होगी कुछ भी होता है तो क्या कहता है इसमें भी खैर होगी अल्लाहिला इसमें भी खैर होगी इसका भी नतीजा अच्छा ही होगा इससे भी मुझे फायदा ही पहुँचेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या खबर दी है कुल नहीं उसी बना मा कब्ला वो हमारा सरपरस्त है वो हमारे लिए जो भी फैसला करता है उसमें मोमिनों के लिए भलाई ही भलाई होती है और चूंकि वो हमारा मौला है तो इसलिए हमें उससे अच्छी ही उम्मीद है और वाला मऊला जैसे नबी ने उहद के मौके पर फरमाया था अल्लाह मौलाना वाला मौलान अल्लाह हमारा मौला है और उनका कोई मौला नहीं, नहीं जो उस पर ईमान नहीं रखते और जो उसकी तकदीर पर ईमान नहीं रखते पर उनका कोई मौला नहीं उनका कोई सरपरस नहीं अहले ईमान को अल्लाह सुबहान तला अपनी पनाह में ले, ले लेता है इसलिए मोमिनों को क्या करना चाहिए वह फल तवक्न मोमिनों को तो अल्लाह पर ही तवक्ल करना चाहिए भरोसा करना चाहिए तवक्ल का माना होता है खैर के हसूल और शर के दूर होने के लिए अल्लाह तला को अपना सहारा समझना और जो अल्लाह तला पर भरोसा करता है वो कभी नाम नहीं होता और जो गैरों पर भरोसा करता है तो वो बेयारो मददगार रहता है क्योंकि वो उसकी सरपरस्ती नहीं कर सकते और इस तरह इंसान अपनी उम्मीदों के हसूल में भी नाकाम होता है तो तवक्ल क्या होता है तवक्ल ये होता है कि इंसान अपनी बेबसी का इजहार कर दे मेरे बस में कुछ नहीं मेरे पास कुछ नहीं और हर चीज का मालिक अल्लाह है और हर काम उसके एजन से होता है वो ही करेगा और जो करेगा वो खैरी के फैसले करेगा तो दुनिया और आखिरत के फवायद और नुकसाना क्योंकि तवक्ल को समझना बड़ा जरूरी दुनिया और आखरत के फवायद और नुकसान के मामले में दिल का अल्लाह की जात ही पर एतम करना दिल का एतम और ये ईमान रखना कि अल्लाह के सिवा कोई अता नहीं कर सकता और ना कोई रोक सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है ना नफा दे सकता है अल्लाह लिमा अत वि मनात वलाय फाउज कल जद यानी कोई भी फायदा है या कोई भी नुकसान है अपनी जिंदगी में आने वाले फवायद और नुकसान दोनों की तरफ नजर कीजिए इस मामले में कोई भी नुकसान हुआ कोई भी तकलीफ आई कोई बीमारी आई कोई मुश्किल आई कोई बुरी खबर सुनी कोई भी चीज ये अल्लाह का फैसला है और फिर दिल का इस बात पर एतमाद है ईमान है यकीन है कि अल्लाह अच्छा ही करेगा अगर बज़ाहिर नजर आने वाली किसी तकलीफ के जरिए अंजाम मेरा वो अच्छा करना चाहता है तो भी मैं उसकी रजा पर राजी हूँ और अगर नफा पहुँचा कर वो मुझे कोई फायदा देना चाहता है तो भी मैं उसी का शुक्र गुजार हूँ यानी अपना हर मामला अल्लाह तला के सपोर्ट कर देना और इस बात का यकीन रखना कि अगर उसने मेरे लिए खैर लिखी है तो कोई रोक ही नहीं सकता और अगर उसकी तरफ से मेरे लिए कोई आजमाइश या तकलीफ रास्ते में है तो फिर कोई और मेरी मदद कर ही नहीं सकता तो जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसके इरादों के लिए काफी हो जाता है यानी हम जिंदगी में मुख्तल कामों के लिए इरादे करते हैं नियत करते हैं हम सोचते हैं कि हम कोई सफर करेंगे या हम कोई कारोबार करेंगे या हम कोई डिग्री करेंगे तो इन तमाम इरादों में इंसान को तरह तरह के खौफ भी लाइक होते हैं खदशात होते हैं उसके दिल में तो फिर जब इंसान अपनी सी कोशिश कर लेता है पढ़ाई के लिए मेहनत कर लेता है जॉब के लिए मेहनत कर लेता है या ट्रैवलिंग के लिए अपने सारे बंदोबस्त कर लेता है तो उसके बाद उसके दिल को एक इतमान हो जाना चाहिए क्या मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है अब उसके बाद मामला मेरा अल्लाह के सपुर्द है होगा ये सब कुछ उसी वक्त जब अल्लाह चाहेगा और जो वो चाहेगा वही मेरे हक में खैर का फैसला होगा तो जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसको शर से बचा लेता है और मुसीबतों से निजात देता है और लोगों के शर से भी महफूज रखता है तो हम सब जानते हैं कि हमारा अल्लाह सुबहान तला पर उसके रसूल पर उसके फरिश्तों पर किताबों पर ईमान के अलावा तकदीर पर भी ईमान है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के इजन से हो रहा है ये अल्लाह के फैसले हैं जो हम पर नाफिज हुए में हमारी तखलीक की इब्तदा से लेकर के हम लड़की हो या लड़का हो हमारी क्या शक्लो सूरत हो हमारी आंखों का रंग कैसा हो हमारी हाइट कितनी हो हमारी उम्र कितनी हो हमारा रिस्क क्या हो ये सब अल्लाह सुबहान तुमाइड किया है और वो चीजें हमें वक्त के साथ साथ पहुंच रही है वो चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है इस पर ईमान रखना की इन चीजों का असल मालिक अल्लाह है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है तकदीर के लिए अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं एक है कजा और एक है कदर कज़ा का लफजी मतलब होता है फैसला करना जैसे काजी होता है और कदर का मतलब होता है अंदाजा मुकर्र करना तो कदर वो तकदीर है जो अल्लाह सुबहान तखलूक के मामले में अपने के मुताबिक और कजा वो फैसला है जो अल्लाह ने अपनी मखलूक के मामले में किया है और उसको हकीकत वाके में वजूद बख्शा है यानी उसको वजूद भी दिया है तो इस बिना पर कजा और कदर पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि अल्लाह सुबहान तला के अजली इल्म, जो आइंदा क़यामत तक होने वाला सब अल्लाह के इल्म है और अल्लाह सुबहाना की जारी होने वाली मशीत यानी वही होता है जो अल्लाह चाहता है और उसकी कुदरत पर ईमान लाना उसकी कुदरत हर चीज पर मुहीता, हर मखलूक पर मुहीता। थोड़े से मुश्किल अल्फाज है सिम्पल वर्ड में यूं कहूंगी कि जैसे तकदीर क्या है अल्लाह सुबहान का वो इल्म है जो किसी भी चीज के वजूद में आने से पहले ही अल्लाह को पता था कि क्या क्या होने वाला है और अगर ये अल्लाह को ना पता होता तो वो फिर हमारा रब कैसे होता यानी उसको इल्म ही नहीं कि आइंदा होने क्या वाला है तो यही तो ताला के कुदरत को और उसकी कुव्वत को जाहिर करता है उसकी ताकत को जाहिर करता है कि उसके पास इन सब चीज़ों का पहले से ही इल्म है और फिर ये कि ये सिर्फ इल्म की हद तक नहीं है बल्कि उसके इल्म के मुताबिक और उसका इल्म जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये फैसले जारी भी हो रहे हैं होता वो है जो वो चाहता है उसकी मशीयत के मुताबिक सब कुछ जारी होता है याद रखिये तकदीर पर ईमान लाना अरकान इस्लाम में से है कुरान मजीद में, में आता है इन कुल्ला कुल्ल इन खलक ना हू बेकदर ये दलील है इसकी हमने हर चीज को एक अंदाजे पर पैदा किया है सूरत में आता वा न अमरुल्ला कदर अम और अल्लाह का हुक्म एक तय शुदा फैसला होता है अल्लाह का हुक्म तय शुद्धा फैसला होता है सूरतल फुरकान में आता है वह खला तकदीरा अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया फिर उसका अंदाजा मुकर किया लिहाजा में से कौन है जो इन आयात को जुटला सकता हो या वो कहे के तकदीर वकदीर कुछ नहीं होती आजकल ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे कि जो तकदीर पर ईमान नहीं रखते वो कहते तकदीर कुछ नहीं होती होता वही जो इंसान खुद करता है आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में ऐसा नहीं है अल्लाह सुबह क्या फरमाे खला शय व कदरा तकदीर अल्लाह ने हर चीज पैदा की फिर उसकी तकदीर मुकर की तकदीर कदर से कदर का मतलब क्या था अंदाजा करना यह कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी क्या इसकी एज होगी क्या करेगी क्या फायदा देगी क्या नुकसान देगी ये सब सब उसका मुकर करता है तकदीर पर ईमान के चार अरकान होते हैं ये चार मरातब होते हैं पहला मरतबा अल्लाह के इल्म पर ईमान लाना की अल्लाह तला इलम रखता है दूसरा इस बात पर ईमान लाना कि क्यामत तक जो कुछ होने वाला है उसने लोहे महफूज में लिख दिया है यानी अल्लाह का इल्म ये लिखा हुआ है तीसरा अल्लाह की मशीयत और इरादे पर ईमान लाना जो उसकी कुदरत कामिला के मुताबिक नाफिज होने वाला है यानी अल्लाह सुबहान तला का इरादा है और उसका इरादा पूरा होता है चौथा अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा किया है और इस तखलीक में उसका कोई शरीक नहीं तो हमारा इस बात पर ठोस ईमान है कि अल्लाह सुबहान अपने अजली अजली सा मतलब कि बिगनिंग से, इल्म की बिना पर हर चीज को जानता है जो कुछ हो चुकी जो हो रही है जो आइंदा होने वाली है सब कुछ उसके लिए गैब और हाजिर क्या है बराबर है फिर यह कि अल्लाह का इल्म मखलूक इल्म जैसा नहीं अल्लाह के इल्म ने हर चीज को घेर रखा है हा हर चीज को इम के साथ घेरा हुआ है यानी अल्लाह तला को उसकी हर हर डायमेंशन हर हर सूरत हर हर उसके नतज असरा सब कुछ पता है इंसान ने तो बहुत लेटली डिस्कवर किया न कि इंसान की जिंदगी की बुनियादी इकाई जब वो सेल है और सेल के सी से बना हुआ है लेकिन अल्लाह समा ने जब बनाया था उससे पहले अल्लाह जानता था की वो क्या बनाने वाला है तो वो जानता है सब कुछ फिर यह है कि इन सारी चीजों की बारीकियों को भी जानता है यानी एक सेल जो है वो कब बिगड़ता है क्यों बिगड़ता है और फिर किस तरह उसकी इलाह हो सकती है और इंसान क्यों बीमार होता है ये चीजें इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, लेकिन अल्लाह सला को ये सब कुछ पहले से ही पता था और फिर ये वह अन्ला गयुब अल्लाह अल्ला गैब के सारे इल्मों को खूब खूब जानता है और दूसरी बात क्या कही मैंने की अल्लाह ने तकदीर को लोहे महफूज में लिख दिया है अल्लाह का ये इल्म लिखा हुआ है और इंसान हो जिन्नात हो, हैवानात हो जमादात हो सितारे हो सारे हो जमीन की मखलूकत हो आसमानों की मखलूकत हो सब के बारे में न सिर्फ ये की वो जानता है बल्कि इन सब की तकदीर उसने लोहे महफूज में लिखी हुई है सूरज अलहज में आता है अलम तालम्लाह या बल अर्द इन नजालिका फी किताब इन नजालिका अल्लाह क्या तुम जानते नहीं की अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो आसमानों में और जो जमीन में बिला शुबा ये सब कुछ एक किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है और अल्लाह के लिए ये बात बिल्कुल आसान है सूरज यासीन में आता है वो कुल्ला शई इन सईना फी इमाम मुबीन ये आय तो सब पढ़ते है ना लेकिन गौर नहीं करते का मतलब क्या है और हमने हर चीज का एक वाज किताब में रिकॉर्ड रखा हुआ है हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है क्यामत तक होने वाली हर चीज लिखी हुई है और फिर तकदीर के तीसरा रुकन की वजाहत क्या है अल्लाह जो चाहता है वो होता है जो नहीं चाहता वो नहीं होता अब दुआ के साथ इसका क्या रिलेशन है यानी आप सोच रही होंगी कि हम तो दुआएं सीखने के लिए आए और ये हमें अकीदा तकदीर पढ़ाने बैठ गई क्योंकि जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं हमारी दुआएं भी सही नहीं होती और फिर हम दुआओं के बारे में भी बे यकी की कैफियत रखते हैं और फिर वो कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते और मांगने में भी कोई लज्जत नहीं होती तो बात यह है कि आप जो चाहते हैं अल्लाह से मांगते हैं तो कबूल अल्लाह ही करेगा जो वो चाहता है वो होगा यानी वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं और अगर आपकी चाहत और अल्लाह की चाहत एक है तो वो हो जाएगा और अगर आपकी चाहत कुछ और है और अल्लाह की चाहत कुछ और है तो किसकी चाहत बेहतर है अल्लाह की चाहत वो हमसे ज्यादा हम पर मेहरबान है वो हमसे ज्यादा हमारे फायदे जानता है हम सिर्फ वकती तौर पर बहुत शॉर्ट साइटेड है थोड़ा सा अपना फ्यूचर जानते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर जानता है उसको पता है कि कौन सी चीज इस वक्त बंदे को देनी है और कौन सी चीज नहीं देनी कौन सी चीज आज अगर इसको दे दी तो दुनिया में तो ये खुशहाल खुश हो जाएगा लेकिन इसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी और अल्लाह हम पर मेहरबान है वो कतन नहीं चाहता कि हमें एक छोटी सी थोड़ी सी देर के लिए एक दुनियावी फायदा दे के एक लज्जत दे के और हमेशा की जिंदगी हमारी मुश्किल में डाल दे तो वो हमसे रोक देता है नहीं इसको ये नहीं देना क्योंकि ये इसके लिए बाहर फायदे की चीज है लेकिन हकीकत में इसके लिए नुकसान दे हम अपना नफा नुकसान नहीं समझते अल्लाह सुबह खूब जानता है वो जानता है कि हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए इसलिए हम दुआ करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और आप देखिए पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो ना भी मिले जो एक चीज हम मांग रहे हैं और जिसके लिए रोज दुआ करते हैं सुबह शाम सुबह शाम हर वक्त हमारे दिल में गम लगा हुआ वही वही मांगते रहते हैं अगर वो चीज़ नहीं भी मिलती तो क्या कुछ भी नहीं मिलता आप मुसलसल इबादत की हालत में है जब तक आप दुआ की हालत में आप इबादत की हालत में आपको इबादत का अजर मिल रहा है अगर ये मुश्किल आपकी जिंदगी में ना हो तो क्या आप दुआ करें क्या अल्लाह को याद करें क्या आपका इतना अजर इकट्ठा हो क्या आप इतनी देर इबादत की हालत में रहे तो इसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत है कि वो कुछ दुआओं की कबूलियत को कर देता है कि ये बंदा और ज्यादा दुआएं करे बाज लोगों की मुनाज़ात, बाज लोगों का रोना अल्लाह के आगे बाज लोगों का फरियादे करना अल्लाह के आगे अल्लाह तला को बहुत पसंद आता है और वो चाहता है कि ये बंदा कुछ देर और इसी हाल में रहे ऐसी ही दुआएं करें क्योंकि जब हर चीज मिली भी होती है ना तो बस एक रूटीन की नमाज होती है रूटीन की दुआएं होती है जिसमें कोई दिल नहीं लगा होता हमारा लेकिन जब किसी मुश्किल में होते हैं तो फिर हम गिड़गिड़ा के मांगते हैं फिर रो के मांगते हैं फिर चुपके चुपके मांगते हैं फिर तन्हाई में मांगते हैं फिर सबके बीच में इज्तेमाही दुआ करते हैं फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें और आप देखिए बंदा बोमिन जब परेशानी की हालत में होता है तो गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं एक और फायदा हो रहा है यानी आप डिटॉक्स हो रहे हैं आप साफ होते जा रहे साफ होते जा रहे साफ होते जा रहे हैं आपके अमाल नामे में वो लिखा चला जा रहा है आपका अमाल नामा बस नहीं हो रहा है अगर दुआ कबूल ना होने के फायदे आप गिनना चाहे आप हैरान हो जाए यार अब मैं तो एक चीज मांग रहा था और अगर आपने वो नहीं दी तो उसके बदले में इतनी सारी चीजें दे दी मुझे तो अल्लाह सुबह तला पर और प्यार आता है तो बहरहाल ये याद रखिए हम चाहे सारी दुनिया की मदद हासिल कर लें लेकिन होना वो है जो अल्लाह चाहता है ये है तकदीर और ये है तकदीर के साथ हमारा रिश्ता दुआ का कि इसलिए हमें पलटना उसी की तरफ है और ये आपको मालूम है ना कि दुआ तकदीर को बदल देती है तो होना वो ना जो अल्लाह चाहता तो फिर आप अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए अगर अल्लाह ताला ने कुछ लिखा हुआ भी है तो कलम उसी के हुक्म से चलता है यमह्ला हु यशा वित अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है जो चीज़ चाहता है उसको साबित रखता है हर चीज उसके इख्तियार में लिहाजा उससे मांगते चले जाए यानी बात हमारे दिलों में रासे हो जानी चाहिए होना वो है जो अल्लाह ने करना है कोई ना मेरी बिगाड़ सकता है ना मेरी बना सकता है और यही अकीद है, तोहीद है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई मुझे कुछ फायदा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी हर चीज को किसके साथ कनेक्ट कर दिया अल्लाह की तरह यही तो इबादत है यही इबादत है यानी हम इबादत सिर्फ चंद रिचुअल्स को लेते हैं जबकि अल्लाह ताला के साथ दिल का ऐसा ताल्लुक होना ऐसा यकीन होना ऐसा ईमान होना ये सरासर इबादत ही के हिस्से हैं फिर आप देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते तरमाते है वो रबल कुमा यशाहख्तार और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब करता है फिल अरहाम शाह वही तो है जो रहमो में तुम्हारी सूरत बनाता है जिस तरह वो चाहता है तम चाहते हैं हमारा बच्चा ऐसी शक्ल का हो ऐसी आंखों वाला ऐसे रंग का हो नहीं वो जो चाहता है वो पैदा करेगा वो आपके अख्तियार में नहीं और फिर हमा तशा ऊना अल्लाह रब्बुल रब्बमीन और तुम चाह नहीं सकते मगर वही जो कुछ अल्लाह रब्बुल रबुलमी चाहता हो नबी सल्ला वसलम ने फरमाया तुम में से कोई यूं ना कहे ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे माफ फरमा अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा बल्कि यकीन से दुआ करे क्योंकि अल्लाह जो चाहे करता है उसे कोई मजबूर करने वाला नहीं तो हमें कोई सजेस्ट करने की जरूरत नहीं कि आप जो चाहते हैं करें वो तो ऑलरेडी जो चाहता है करेगा हमें क्या करना चाहिए यकीन से मांगना चाहिए कि ए अल्लाह आप तो सब कुछ कर सकते हैं आप मेरी ये मुश्किल आसान कर दें या ये चीज मुझे अता कर दें और फिर आप देखिए चौथी बात यह कि अल्लाह ताला आसमान जमीन की हर चीज का खालिक है और हमारे अफआल का खालिक भी है मतलब ये है कि हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है जिसमें बंदे और उनके अमाल भी शामिल हैं। ये भी क्रिएटेड है और ये कि अल्लाह सुबहान ताला इसके बावजूद हमसे क्या चाहता है की हम उसकी इतात के काम करें और उसकी नाफरमानियों से बचे और जब कोई शख्स इतात के काम करता है तो नेकी करता है तो अल्लाह तला नेक बंदो से मुहबत करता है और जो उसकी इतात नहीं करते फिर उनसे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह सुबहान तला ने नेक काम भी पैदा किए हैं और गैर साल अमाल भी ही ने पैदा किए हैं अब हम क्या चूज करते हैं हमारा सारा इम्तिहान हमारी चॉइस का है असल में क्रिएशन अल्लाह की है चॉइस हमारी है कि उसमें से हम क्या पसंद करते हैं हम अपने लिए नेकी के काम पसंद करते हैं या हम अपने लिए कुछ और पसंद करते हैं तो अल्लाह खालिक इन वह कुल्लि शई इन वकील अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगेबान है अल्लाह खला अल्लाह ने तुम्हे भी पैदा किया और उन चीजों को भी जो तुम बनाते हो या जो तुम अमल करते हो तो याद रखिये जो होता है वो अल्लाह के इजन से होता है जो हमें फायदा मिलता है वो अल्लाह की तरफ से आता है जब हम इस बात का यकीन रखेंगे तो इसका फायदा क्या होगा यानी मसलन अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी तो उस पर आप किसके शुक्र गुजार होंगे अल्लाह ताला के शुक्र गुजार होंगे ये शुक्र क्या करेगा नेमतों में इजाफा करेगा अल्लाह की रजा का सबब बनेगा अल्लाह ने आपको माल दिया रिस्क दिया अच्छा ठिकाना दिया तो जब आपको ये पता होगा कि ये अल्लाह ने दिया है तो फिर आप इनमें से हर नेमत पर शुक्र अदा करते रहेंगे और जो शुक्र अदा करता है वो सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान होता है क्योंकि वो नेमतों को देख रहा होता है जो शुक्रे लोग होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी ना है कि उनको नेमतें नजर नहीं आती उनके आसपास नेमतों के ढेर होते हैं लेकिन वो ना उनका देखना एंजॉय करते हैं न उनकी प्रेजेंस को फील करते है की अल्लाह का शुक्र है ये है उनको सिर्फ नजर आ रहा होता है जो नहीं होता औलाद है उसकी प्रेजेंस एक नियमत होती उनसे पूछे जिनके पास नहीं है लेकिन अगर उनमें किसी किस्म की कोई कमी है या उनके साथ कोई मुश्किल है तो हम सिर्फ वही देखते रहते हैं और अल्लाह ने चूंकि हर चीज का एक वक्त मुकर कर रखा है ना उस वक्त के आने पर औलाद को भी वो चीज मिल जाएगी और उनका बिजनेस फ्लरिश कर जाएगा उनकी जॉब लग जाएगी उनकी डिग्री पूरी हो जाएगी उनकी शादी हो जाएगी उनके बच्चे हो जाएंगे हर चीज का एक वक्त है भाई उसने अपने वक्त पर ही होना है लेकिन हम चूंकि वक्त से पहले चाहते हैं इसलिए हम परेशान रहते हैं और फिर शुक्र अदा नहीं करते अलमदुल्ला सही सलामत है अगर ये बीमार पड़े होते और हमें इनकी खिदमत करनी पड़ जाती आप देखिए बच्चे बच्चे हैं और वो अब तक अपने की मदद के मोहताज हैं आपने भी ऐसी माए देखी होगी उनकी जिंदगी में सिर्फ वही चीज रह जाती है यानी वो अपना आप भी भूल जाती है वो हमारी तरह आजादी से घूम फिर नहीं सकती एंजॉय नहीं कर सकती तो अगर इंसान दुनियावी मामला में अपने से नीचे वालों को देखे तो उसके दिल को करार आ जाए कि शुक्र है तुमने तो मुझे सही सलामत बच्चा दिया है क्या हुआ अगर इस बच्चे को आपने ये नहीं दिया जो भी चीज उसकी जिंदगी में कमी है क्योंकि अमूमन माए अपने से भी ज्यादा अपने बच्चों की जिंदगी में जो कमी होती है उसका गम खाये रखती है और अगर हम थोड़ा सा अपना तरीका बदल लें उन्हीं बच्चों के बारे में शुक्र अदा करना शुरू कर दें अल्लाह तेरा शुक्र है तुने दिया अल्लाह तेरा शुक्र है जिंदगी है सेहत है सलामती है अल्लाह तेरा शुक्र है आप देखिए इस शुक्र के बिना पर अल्लाह सुबहान आपको वो भी दे देगा जो अब तक नहीं मिला जो आप मांग रहे हैं क्योंकि शुक्र क्यूँकी को खेच लाता है और ना शुक्र हर वक्त दुख की फरियाद करते रहना हर वक्त परेशान रहना हर वक्त परेशान रहना ये नियमतों को और दूर कर देता है तो याद रखिये तकदीर पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है और ईमान की हकीकत उस वक्त तक नहीं इंसान को पता चलती जब तक वो तकदीर पर ईमान नहीं रखता अबू अबूदरदा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज की एक हकीकत होती है और कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक उसे ये यकीन न हो जाए कि उसे जो चीज पहुंची है यानी अच्छी या बुरी वो उससे खता नहीं हो सकती थी और जो चीज खता होगी वो उसे पहुंच नहीं सकती थी मिल नहीं सकती थी यानी जो शख्स इस बात को समझ जाता है यानी जो दुआ कबूल हो गई वो होनी ही थी और जो नहीं हुई उसने नहीं होना था तो जब तक इंसान को ये बात समझ ना आए तो उस वक्त तक वो ईमान की हकीकत को नहीं पहुंचता। यानी ईमान इस बात का तकाजा करता है कि अल्लाह सुबहान तला की कम्प्लीट अथॉरिटी पर इंसान का ईमान हो कि असल कादर मुतलक। ये क्यों कहते हैं कादिर मुतलक? मुतलक होता है एबसल्यूट असल तो कुदरत उसके पास है। याद रखिये जो शख्स तकदीर को झुटलाये उसके अमाल कबूल नहीं होते नबी सल्ला ने फरमाया तीन लोगो ऐसी कोई फर्ज कबूल करेगा ना नफल नंबर एक वालदेन का ना फरमान नंबर दो एहसान जताने वाला और नंबर तीन तकदीर को जुटलाने वाला अमल ही कबूल नहीं होते ढेर सदके का भी दे तो वह भी कबूल नहीं होगा अब्दुल्ला बिन उमर कसम खा के फरमाया करते थे अगर तकदीर का इनकार करने वालों में से किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी हो और वो सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दे तब भी अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा जब तक वो तकदीर पर ईमान न लाए तो कितना जरूरी है इस अकीदे को जहन में रखना इस पर ईमान लाना और इसको रिफ्रेश करना रमजान असल में मौका है हम अपने बुनियादी अक़ायद को रिफ्रेश करें हम दीन की बुनियादी तालीम को रिफ्रेश करें ताकि हम आगे साल का जो बाकी हिस्सा है वो बेहतरीन मुसलमान के तौर पर गुजार सके नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बाद में आने वाले जमाने में अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा तीन बातों का डर है नंबर एक सितारों पर ईमान लाना नंबर दो तकदीर को जुट लाना और नंबर तीन हुक्मरान का जुल्म करना एक और हदीस में आता है नबी सल्लाम ने फरमाया

आपको मालूम है ना की कुरान की सबसे पहली तफसर खुद नबी वसल्लम ने की कि किस आयत का मतलब क्या है कुछ अमल से की और कुछ जबान से की और फिर जो इल्म आपने आगे साहबा को दिया उनमें से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्र कुरान है यानी ये जो सूरत अल कमर की आयत है 48 49 फोर्टी नाइन जूकु मस्कर जहन्नम की आग लगने का मजा चखो इन्ना कुल्ल शाह कदर हमने हर चीज़ को एक मुकर अंदाजे में पैदा किया हमने हर चीज की तकदीर मुकर की फिर इसी तरह आप वसल्लम ने फरमाया जन्नत में वाले का ना फरमान जादू पे ईमान रखने वाला आदि शराब खोर और तकदीर को जुटलाने वाला दाखिल न होगा तो तकदीर पर ईमान लाने का तकाजा क्या है नंबर एक इस बात पर यकीन रखना कि हर चीज लिखी जा चुकी है ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि ईमान मुकम्मल हो के तकदीर पर ईमान का मतलब क्या है उमर रिस्क अमल ये सब कुछ तकदीर से है हसन कहते हैं बेशक अल्लाह ने मखलूकत को पैदा किया तो उनके साथ उनकी तकदीर को पैदा किया उनकी उम्रों को तकदीर के मुताबिक तकसीम किया उनके रिस्क को तकदीर के मुताबिक तकसीम किया आजमाइश और सेहत और तंदरुस्ती को भी तकदीर के मुताबिक तकसीम किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को बड़ी फिक्र दुनिया की ही हो यानी जो दुनिया के बारे में ज्यादा कंसर्न है अल्लाह ताला उसके काम परेशान कर देगा और उसकी मुफलिसी उसकी दोनों आंखों के दरमियान कर देगा उसको सिवाय अपनी मुफलिस के और कुछ नजर नहीं आएगा सब कुछ होते हुए भी उसको खौफ मुफलसी का है कि क्या बनेगा और जिसकी नीयत असल आखरत की तरफ हो तो अल्लाह ताला उसके सब काम दुरुस्त कर देगा उसके दिल में बेपरवाही डाल देगा और दुनिया झुक कर उसके पास आएगी तो इसी तरह औलाद का मिलना भी मुकर्र है जिस जान ने आना है वो आकर रहेगी बीमारी भी तकदीर से है रसूल अल्लाह फरमाया जाहिलियत के चार औसाफ मेरी उम्मत में मौजूद रहेंगे जिनको लोग हरगिज नहीं छोड़ेंगे नंबर एक नौहा करना इन्हें किसी फोतगी पर नंबर दो हसब में तान करना सुबह अल्लाह अच्छे खास प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं बच्चों की शादी का मौका आता है हम पठान में शादी नहीं करेंगे हम फुला में शादी नहीं करेंगे और लोगो को कम जात होने के ताने देना हालांकि सब को आदम की औलाद है सबकी जाते में जाके मिलती है नंबर तीन बीमारी को मुतिक करार देते हुए कहना एक खारची ऊँट की वजह से सौ ऊँटो को खारिश लग गई सवाल ये कि पहले ऊँट को खारिश किसने लगाई अभी इसमें आप देखिए जैसे ये कोविड है कितना फैला हुआ था लेकिन जिसकी मौत लिखी हुई थी जिसको बीमारी आनी थी उसको आकर रही जिस जिसको बीमार होना था वो डबल मास्क में भी बीमार होकर रहा और जिसको अल्लाह ने बचाना था बचाया आगे का भी अल्लाह ही के हाथ में है तो इसलिए यह सोचना कि सिर्फ इसकी वजह से नहीं अल्लाह का फैसला था नंबर चार सितारे ये कहना कि फला सितारे की वजह से बारिश हुई ये दौरे जाहिलियत के औसाफ में से है फिर तो इसी तरह दूसरी बात ये कि इस बात पर यकीन रखना कि जो तकदीर में लिखा है वही वाक़ होगा मा मिन मुसीबत फिल अर्दी वाफी अनफिको फी किताबिन मिन कबल फखूर कोई मुसीबत न जमीन पर पहुँचती है और न तुम्हारी जानो पर मगर वो किताब में लिखी है जिसने आना है ना उसने आना है इससे पहले के हम उसे पैदा करें यकीन ये अल्लाह पर बहुत आसान है ताकि तुम न इस पर गम करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और उस चीज पर गा करो जो चला जाए और न उस पे अकड़ो जो तुम्हे अता कर दे और अल्लाह किसी तकबर करने वाले बहुत फखर करने वाले से मोहब्बत नहीं करता तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई तकलीफ आ जाए कोई बीमारी आ जाए तो क्या करें एक लफ्ज़ याद रखें मकतूब मकतूब लिखा हुआ था इसने आना था कि अल्लाह का फैसला है रजीत बन वाम वहम्मदी मसला न आपको फ्लू हो गया आप कहते मैंने तो फ्लू शॉट भी लगवाया था तो इतनी एहतियात भी की थी भी की। फ्लू क्यों हो गया अल्लाह का फैसला हो गया मकतूब लिखा हुआ था आप समझते हैं, आपके हक में बुरा हुआ नहीं बुरा नहीं हुआ उसके जरिए मालूम नहीं कितनी और बीमारियां आपके जिस्म से निकल जाए अल्लाह को पता है न अल्लाह को आपसे प्यार है वो बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आपको छोटी मुश्किल में डाल देता है और साथ गुनाह भी जड़ते चले जाते हैं और आपका अल्लाह ताला की तरफ रुझू भी हो जाता है और याद रखिए कि इंसान कभी भी अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी ना करे कि अल्लाह ने मुझे बीमार करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया नेवर क्योंकि अल्लाह ताला का हर फैसला अदल पर मबनी है हिकमत पर मबनी है ये भी हमने याद रखा तकलीफ आए तो क्या सोचना है अल्लाह ने मेरे साथ जुल्म नहीं किया है ये अल्लाह का अदल है ये अल्लाह की हिकमत है इसकी हिकमत अल्लाह ही जानता है बहरहाल मैं ये यकीन रखती हूँ कि उसका ये फैसला हमारे हक में ठीक ही है बेहतर ही है इबन उदलमी कहते हैं मैं इब्न काब के पास हाजिर हुआ और उनसे कहा मेरे दिल में तकदीर से कुछ मुतक शुभहा पैदा हो गए आप इस बारे में मुझे बताए शायद अल्लाह तला मेरे दिल से इन शुहात को निकाल दे उबी ने फरमाया अगर अल्लाह आसमान वालों और जमीन वालों को अजाब देना चाहे तो दे सकता है और वो उन जुल्म करने वाला नहीं होगा और अगर वो उन पर रहम फरमाए तो उसकी रहमत उनके लिए उनके अमाल से बेहतर है और अगर तुम ओह पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दो तो जब तक तुम तकदीर पर ईमान न लाओगे अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा और जब तक तुम ये न जान लो कि तुम्हें जो कुछ पहुंचा है वो तुमसे खता होने वाला नहीं था और जो तुम्हें नहीं पहुंचा वो तुम्हें हरगिज मिलने वाला नहीं था और अगर इससे इतका के बगैर तुम मर गए तो जानना में जाओगे इब्न दलमी कहते फिर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आया उन्होंने भी यही बात कही जो मुबैया रजियाल्ला ने कही थी कहते हैं उसके बाद फिर मैं हुजाफा बिन यमान के पास गया और उन्होंने भी वही बात कही जो पहले दो ने कही थी फिर मैं जैद बिन साबित के पास गया उन्होंने भी वही कहा जो ऊपर थी कहा और उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की बात रिवायत की इससे ये पता चलता है कि साहब कराम का ईमान कितना दुरुस्त था और उनको पता था कि किस चीज पर ईमान लाना है और किस तरह का ईमान लाना है आज आप देखें कि हमसे अगर कोई पूछे तो क्या हम ये बात बता सकते हैं ये जो सारे सहाबा ने कही थी हमें तो पता भी नहीं कि ऐसे भी कहना होता है तो ये है तकदीर कि अल्लाह के फैसले जुल्म पर मबनी नहीं है और अल्लाह की रहमत हमारे अमाल से बेहतर है और कोई नये कमल कबूल नहीं है अगर हम तकदीर पर ईमान नहीं रखते और जो हमें पहुंचने वाला है वो खता नहीं हो सकता और जो खता हो गया वो आना ही नहीं था इस बात पर यकीन रखे की अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी है अदल पर मबनी है अल्लाह ताला झालिम नहीं बज़ाहिर नजर आने वाला शर भी अपने अंदर तरह तरह की खैर रखता है अगर आप सूरत अल्काफ पढ़े तो उसमें खजर अल्लाम ने जिस बच्चे को मार दिया था तो उसके बारे में क्या आता है वह अमल गुलाम हूँ फ़काना बबाने उस लड़के के वाले मोमिन थे फशीनका हुमां तुआन व कुफरा हमें अंदेशा हुआ की ये लड़का अपनी सरकश और कुफर की वजह से इनपे कोई मुसीबत ना लाखड़ी करे फरद ना अयुबिला हमारा रबु हम खैरमिन जकातन व अखरबरह लिहाजा हमने चाहे इनका परवरदिगार इस लड़के के बदले इन्हें इससे बेहतर औलाद अता करे जो पाकिजा अखलाक वाली और कराबत का बहुत ख्याल रखने वाली हो जो तो रिवायात में आता है कि अल्लाह तला ने उसके बदले उनको बेटी अता की थी अब किसी का बेटा फौत हो जाए और बेटी पैदा हो जाए तो बजहिर वो क्या समझेगा कि मेरे साथ तो बड़ी जाति हो गई लेकिन यहाँ पर बेटी का पैदा होना यानी सरकश बेटे के बदले में अल्लाह ने उनको नेक बेटी अता की जो पाकिजा अखलाक वाली और कराबत का बहुत ख्याल रखने वाली और ये तो हमने देखा है ना कि जिस तरह बेटियां माँ बाप का ख्याल रखने वाली होती हैं और केयर करने वाली होती हैं तौर पर है अल्लाह माशालामूमी तौर पर बेटे ऐसे नहीं होते फिर उम्मे मरियम को बेटा देने की बजाय अल्लाह ने बेटी से नवाजा जिनसे ईसा ले सलाम पैदा हुए कितनी बड़ी शादत थी उनकी तो मोमिन के हर हाल में खैर होती है अल्लाह के हर फैसले में खैर है हदीस में आता है मोमिन का मामला भी अजीब है उसके लिए हर बात में भलाई है और ये मोमिन के सिवा किसी के लिए नहीं अगर उसपे खुशहाली आती है वो शुक्र अदा करता है तो उसके लिए बेहतर है अगर भी मुश्किल आती है वो सब्र करता है तो उसके लिए वो बेहतर है और शुक्र करना भी बहुत फायदे की चीज है अता इमुस्िरु कस्सा इमिर असाबिर यानी जो खा पी के शुक्र अदा करता है वो रोजा रख के सबर करने वाले की तरह इसका भी अजर है उसका भी अजर तो जिस हाल में अल्लाह रखे उसके मुताबिक अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपके लिए अजर ही अजर है फिर आप देखिए कि एक हम आदत सीखने के हर चीज में खैर देखे और खैर के पहलू पर नजर रखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाबन आदम दो चीजों को नापसंद करता है दो चीजें उसको अच्छी नहीं लगती नंबर एक मौत को हालांकि मोमिन के लिए मौत फितनों से बेहतर है नंबर दो माल की किल्लत को माल कम हो गया हालांकि माल की किल्लत हिसाब किताब में कभी का है अगर माल कम है तो हिसाब भी कम है माल ज्यादा तो हिसाब भी ज्यादा जिंदगी में कोई हादसा पेश आ जाए तो यही कहा करें ला तह सबू हु बल हुआ खैरुल रखो तुम उसे अपने लिए बुरा मत समझो बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर है नहीं तो मैं पता कहाँ कहाँ इसकी वजह से बेहतरी भी हो गई सुफियान कहते हैं इंसान जो नापसंद करता है वो उसके लिए बेहतर होता है उससे जिसको वो पसंद करता है क्योंकि नापसंदीदा चीज उसे दुआ पर उभारती है और जिसे वो पसंद करता है वो उसे आग लगाता है यानी दुनिया की ऐशो इशरत चाहता है और वो उसके लिए बाजूकात अल्लाह से दूरी का बायस बन जाती है बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब किसी तकलीफ का अंजाम सामने आता है लेटर ऑन तो वो हमें खुश कर देता है उस वक्त अल्लाह के फैसलों की हिकमत समझ आती है इब्ने उमर कहा करते थे इंसान अल्लाह से भलाई तलब करता है तो अल्लाह उसके लिए किसी चीज़ को मुंतखब कर लेता है यानी उसके लिए किसी तकलीफ को मुंतखब कर लेता मतलब ये था फिर वो अपने रब से नाराज हो जाता है और अपने अंजाम का इंतजार नहीं करता फिर जब अंजाम सामने आता है, तो पता चलता है कि अल्लाह ने उसके हक में बेहतरी की कि उसको इस मुश्किल रस्ते से गुजार कर ये नमत दी अल्लाह हमारी मसलियतों को हमसे ज्यादा बेहतर जानता है इसलिए अल्लाह के फैसलों पर एतमाद होना चाहिए आप देखेंगे बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ बाप से अक्सर नाराज रहते हैं हमें क्यों स्कूल भेजते हैं हमें क्यों होमवर्क करने को कहते हैं हमें क्यों छुट्टी नहीं करने देते हमें क्यों फुला चीज नहीं लेके देते हमें क्यों ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने देते क्योंकि उनका बस चले तो खाने पीने की जगह सिर्फ स्वीट्स और कैंडीज ही खा ले तो माँ बाप नहीं खाने देते यानी जितनी भी चीजें हैं देखें कि आप देखेंगे बच्चे आपसे खुश नहीं होंगे वो आपको अपना दुश्मन समझेंगे कि शायद हम सुतेले हैं इनके या इन्होंने कहीं से अडॉप्ट किया हुआ हमें जो इतनी सख्ती हम पर करते हैं लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर थैंकफुल होते हैं आपका शुक्रिया कि आपने हम पर सख्ती की हमें पढ़ाया लिखाया और हमें यहाँ तक पहुँचाया बंदा भी जब तकलीफ की हालत में होता है तो बुरे बुरे ख्याल सोचता है बस बसे और फिर जब उसका अंजाम देखता है तो उस वक्त शुक्र गुजार होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने फला से भी बचा लिया फुला चीज से बचा लिया फुला और मेरे लिए तूने ये रख दिया इब्न तैमिया कहते हैं मसायब आम लोगों के हक में रहमत और नेमत है सिवाय उस वक्त के कि अगर इन मुसीबतों की वजह से मुसीबत वाला शख्स उस बड़ी नाफरमानी और मुसीबत में मुब्तला हो जाए जो उससे पहले थी तो ये मुसीबत उस लिहाज से उसके लिए शर बन जाएगी लेकिन अगर वो उसकी वजह से और नेकी की तरफ आ जाता है तो फिर क्या होता है वो मुसीबत उसके लिए खैर का बायस बन गई चौथी चीज क्या हुई तकदीर के फैसलों पर अल्लाह से राजी रहना और नाराज नहीं होना अल्लाह को इल्जाम नहीं देना अल्लाह की तकसीम पे राजी रहना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो तुम लोगों में सबसे बड़े गनी बन जाओगे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल हाल हसन कहा करते थे तुम अल्लाह से राजी हो जाओ अल्लाह तुमसे राजी हो जायेगा हम चाहते ना अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी हो जाया करो और अल्लाह का जो हक है उसे अपनी तरफ से अदा करो क्या तुमने नहीं सुना अल्लाह ताला का फरमाना है रद्ला व रद अल्लाह उनसे राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी हो गए और जो राजी हो जाता है उसकी जिंदगी में बरकत और वस्तुत आ जाती है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक वाली अपने बंदे को जो कुछ देता है वो उसमें उसका इम्तिहान भी लेता है सो जो शख्स अल्लाह तला की तकसीम पर राजी हो जाए अल्लाह उसे बरकत और वुस्सत देता है और जो राजी ना हो उसको बरकत नहीं मिलती फिर जबान से भी रब की रजा के कलिमात अदा करने चाहिए जैसे नबी सल अलाम के बेटे इब्राहिम फौत हो गए थे तो आपने क्या फरमाया आंखें रोती हैं, दिल गमगीन है, और हम नहीं कहते मगर वो जिससे हमारा रब राजी है। जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी इब्राहिम हम तुम्हारी जुदाई के गमगीन अपने गम का इजहार किया लेकिन अल्लाह से नाराजगी का इजहार नहीं किया फिर आप देखे कि अल्लाह के फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए अल्लाह ये तेरा फैसला है मैंने कबूल कर लिया मैं इस पर राजी वो कैसे मसलन आपकी शादी किसी ऐसी जगह हो गई कि जिसमें बाद में आपको कुछ मुश्किल पेश है और वो कौन सी शादी है जिसमें मुश्किल पेश नहीं आती यानी एडजस्टमेंट का जो भी पीरियड होता है और जिंदगी भर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होती रहती आप देखें जिस तरह हमारी अपनी बॉडी होती है ना बचपन में एक और तरह के ड्रामे से गुजरती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं उसमें आप देखिए कि वो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं जब मसान एक खातून होने की हैसियत है जब पीरियड शुरू होने का वक्त होता है तो जिसम की जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से एक थकावट और एक बीमारी किसी कैफियत फिर आप देखें कि जवानी की अपने कुछ और मुतालबात होते हैं उसकी जरूरियात होती हैं फिर उसके बाद यह है कि जो जो इंसान को मीनो पॉज होता है बुढ़ापा आता है एडजस्टमेंट होती रहती है ना सारा वक्त किस तरह खड़े होना है किस तरह बैठना है किस तरह चलना है क्या खाना है क्या, क्या नहीं करना थ्रू आउट योर लाइफ आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने साथ खाने पीने के मामले में एक्सरसाइज के सोने जागने काम हर चीज के आराम के नींद के हर जगह बिल्कुल इसी तरह जो हमारी अजवाजी जिंदगी होती है उसमें भी वक्त के साथ साथ शादी से पहले के जज्बात कुछ और होते हैं फिर शादी हो जाती है तो इब्तदाई दिनों के जज्बात कुछ और होते हैं फिर दो महीने के बाद कुछ और होते हैं फिर छह महीने के बाद कुछ और होते हैं साल गुजर जाता है तो कुछ और होते हैं और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है कुछ और होते हैं फिर बच्चे जब जवान होते हैं कुछ माँ बाप बड़े अच्छे जिंदगी गुजारे होते हैं जब बच्चे जवान होते हैं उनके फैसले करने में आपस में झगड़ पड़ते हैं फिर उसके बाद उनके जब बच्चे पैदा होते हैं उनके गम लगा के बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी जिंदगियों में ये चल रहा होता है तो ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है तो ये अल्लाह के फैसले होते हैं इनके आगे झुक जाना चाहिए इनको कबूल कर लेना चाहिए हमें नहीं पता कि जिस चीज का हम खौफ करते हैं जिससे हम डरते हैं उसी में हमारे लिए कितनी खैर और भलाई अल्लाह ने लिख दी हो यानी हमारे तबाहमात होते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए पता नहीं क्या हो जाएगा तो हर मामले में ना मसला बच्चे जब स्कूल ही जा रहे होते हैं ना तो उस वक्त भी इस स्कूल में दाखिल कराते ना ज्यादा अच्छा था इस प्रोग्राम में भेजते तो ज्यादा अच्छा था मेरे ख्याल है हमने गलती की इसको डॉक्टर बना के मेरा ख्याल है हमने गलती की यहाँ शादी करके यानी सारी जिंदगी इंसान फैसले भी कर लेता है और फिर रिग्रेट्स भी साथ साथ चल रही होती है तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन उसमें होना वही है जो अल्लाह ने लिखा है तो अब क्या है जब अल्लाह ने लिख दिया है ना और वो चीज नाफिज हो रही है तो फिर कहें रजी तुबिल्ला बिल इस्लाम दीन वह भी मोहम्मद नबी और इसी मामले में फिर हमें अल्लाह पर तवक्ल करना पड़ता है तबक्ल इंसान के अंदर एतमाद ले आता है इंसान के अंदर इतमान पैदा कर देता है और क्यों ना तवक्ल करे हुआ मौलाना तो वो हमारा मौला है ना उसने काम संवारने मेरे हाथ में थोड़ी अपनी तकदीर मेरे हाथ में थोड़े अपने फैसले उसने करने और उसका हर फैसला खैर पर मबनी है और बंदा जैसा गुमान करता है ना अल्लाह के बारे में अल्लाह तीन उसके साथ वैसा ही मामला करता है एक शख्स बीमार हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया ला फरमायाबाअरों ने इंशाल्लाह कोई बात नहीं ये पाक साफ करने का जरिया तो उसने कहा आप ये कहते हैं ये गुनाहों को धोने वाला है हरगिज नहीं ये तो एक नहायत शदीद किस्म का बुखार है जो एक बूढ़े पे जोश मार रहा है जो उसे कबर की ज्यारत कराए बगैर नहीं छोड़ेगा बुरे बुरे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए आपने फरमाया तो अच्छा फिर यूं ही होगा यानी आप अल्लाह से अच्छा गुमान करें अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा जो चीज़ आपको पिंच कर रही है ना जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको कही यार अब ऐसे अपने जहन में ना उस चीज को एक फिजिकल फॉर्म दिया करे और फिर उसको लपेट के कहा अल्लाह ये आपके हवाले आपने इसकी टेक केयर करनी है मैं नहीं कर सकती मेरे दिल का ये खौफ दूर कर दे तू इसकी हिफाजत करने वाला तू इसकी ज्यादा केयर करने वाला है तू ने इसको पैदा किया है जैसे बच्चे हैं उम्मीद मूसा ने क्या किया था यानी कितनी बड़ी मिसाल और कहाँ जाके पले थे और फिर वहाँ क्या मुश्किल पेश आ गई और फिर कहाँ पहुँच गए फिर अल्लाह ने क्या क्या नहीं अता किया कैसा बड़ा मकाम पहले पांच उल अज़म आजम रसुल में से है यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में कैसे खदशात थे जो हर माँ बाप के दिल में औलाद के लिए होते हैं खास तौर पर अगर औलाद आउटस्टैंडिंग हो लेकिन हर वाक जो उनकी जिंदगी में पेश आया वो नहीं चाहते थे लेकिन वल्लाबरी अल्लाह अपने फैसलों में गालिब होता है लिहाजा वही हुआ जो वो नहीं चाहते थे जो नहीं चाहते जो नहीं चाहते थे चाहे कुआं था चाहे उनका बिकना था चाहे अजीज मिसर के घर में मुश्किल पेश आना था चाहे जेल खाना था एक के बाद एक बड़ी मुश्किल आती चली गई लेकिन अंजाम क्या होगा कहाँ पहुँचे नबोबत भी मिली बादशाहत भी मिली हर चीज उनके अख्तियार में दे दी अल्लाह ने हमें नहीं पता जिन चीजों से हम डरते हैं और हम चाहते हैं ना हो लेकिन वल्लाबरी वही होता है जो अल्लाह चाहता है और जब वो हो जाता है लकत खलक ने इंसान अपी कब इंसान मुश्किल पैदा किया जिंदगी फूलों की सेज नहीं की सिर्फ आराम और ही मिलेंगी मुश्किल आएगी लेकिन उसमें से खैर भी निकलेगी और मोमिन के दर्जे बाजुकात उस तकलीफ से ज्यादा बढ़ते हैं बनस्बत उस नियमत के जो उसके पास होती है इसलिए मुसीबत पहुँचने पर अजर की हमेशा उम्मीद रखे नबी सल्म ने फरमाया मुसलमान पर कोई मुसीबत बीमारी रन जो गम या तकलीफ ऐसी नहीं आती यहाँ तक के कांटा भी चुपता है तो अल्लाह उसके बदले उसके गुना दूर कर देता है फिर पांचवी चीज यह है कि तकदीर के फैसलों में किसी को इल्जाम न दे की तुम इसका सबब हो खाम तरफ होता है जब कोई काम खराब हो जाता है कोई चीज खरीद लेते हैं तुमने कहा था ये वाली ब्रांड खरीदू तो अब रोज उसी को कोसते चले जाते हालांकि बस वो लिखा होता है वही पहुंचना था अब हो गया जो हो गया तो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन ही फिर खराब करने चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है वह ई सस का बिदुर फला का फलाभ हु वह ई रिद फला बिखरिन फ़दली ही युसी वही मैशाह उमेन इबादी वहू अलगफूर और रहीम अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला भी नहीं और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके फजल को हटाने वाला भी नहीं वो अपने बंदों में से जिसको चाहे पहुंचा देता है यानी खैर और फजल वही बेहद बख्शने वाला नहाय रहम फरमाने वाला है गैर अल्लाह जो है वो किसी नफे नुकसान के मालिक नहीं चाहे वो इंसान हो चाहे कोई और हो और ये याद रखिये कोई तकलीफ भी आती है तो अल्लाह के इजन से ही आती है मसा बसीबत अल्लाह बेजन अल्लाह बिल्लाबा अल्लाह बिकुल्लिश नलीम जो मुसीबत आती है अल्लाह के इज्जत से आती है और जो अल्लाह पर एतमाद करता है ईमान ले आता अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्श देता उसका दिल खोल देता उसके दिल को रहनुमाई मिल जाती है उसको खैर नजर आने लगती है और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है याद रखिए पूरी दुनिया मिलकर नफा पहुंचाना चाहे ना इंसान को नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह का इजन हो तो कोई रोक भी नहीं सकता इसलिए तकलीफों का अगर अंदेशा हो तो मसायब से बचने के लिए मामला अल्लाह के हवाले कर दे फुरु नमा अकुल व उफम अमरी इन अल्लाह बसीबिल इबाद आलि फिर में से एक रजिन ने खुल के फिर की मुखालफत की उसके फैसलों की और मुसलम की भरपूर तायद की अब उसके बाद होना क्या था कि वो कोई उठाता उसे और कत्ल कर देता फव्ला सया तिमा करु उनके चालों से अल्लाह ने इस मर्द मोमिन को बचा लिया क्यूँ क्यूकी उसने कहा था उद अमरी तो अपने बारे में भी अपनी औलाद के बारे में भी अल्लाह मैंने आपके सपूर्द की आप इनकी हिफाजत कर जैसे माल की तरफ से डर है औलाद की तरफ से, से कही ये बीमारी कुछ लोग हर वक्त वह लगा कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए कही मुझे फलाना ना हो जाए जो होना हो जाएगा लेकिन आप अपने आप को भी अल्लाह के सपूर्द किया करे जो चीज अल्लाह के हवाले कर दी जाती है ना अल्लाह सुबहाना उसको दुरुस्त कर देता है और फिर यह है की अगर कोई काम ऐसा हो गया है जो पसंद नहीं आया तो उसके बारे में मनफी जुमले अदा न करें क्योंकि मुसीबत के वक्त आमतौर पर हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव बातें करके सारे माहौल को खराब कर देते हैं यह नहीं होना चाहिए यानी कुछ लोगों को अगर मुसीबत आती है तो कहते हैं मुझे ये मुसीबत आनी थी मैंने क्या जुर्म किया कि मुझ पर यह आजमाइश आए अक्सर ऐसे जुमले आपको सुनने में मिलते हैं तो इस तरह की बातें अल्लाह की नियमतों का और एहसान का इनकार होता है और अल्लाह के बारे में बदगुमानी होती है और एतराज हम कौन है अल्लाह पर इतराज करने वाले लिहाजा साहबा जो थे वो ऐसे जुमलों को सख्त नापसंद करते थे इबन मसूद कहते हैं तुम में से एक शख्स आग के अंगारे को मजबूत पकड़ ले यहाँ तक के वो बुझ जाइए, इससे बेहतर है वो की वो अल्लाह की तकदीर के बारे में कहे के काश ऐसा ना होता ये नहीं कहना चाहिए काश ऐसा न होता जबकि मुश्किल में क्या बोलना चाहिए कद्दर अल्लाह माला अल्लाह की तकदीर जो अल्लाह ने चाहा किया, अल्ला की अल्लाह की तकदीर थी मकतूब और ऐसे अल्फाज न बोले जाएं जो अल्लाह को नाराज कर दें। या ये कहें कि काश मैं यहाँ ना जाता तो ये हादसा न होता सातवी चीज ये तकदीर को उजर नहीं बनाना चाहिए ठीक है मसलन अगर कोई शख्स पहाड़ पे चढ़ के अपने आप को नीचे गिराए और चोटे खाए तो कहे मेरी तकदीर में था तो इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं हमें एहतियात और कोशिश और बचाओ करते रहना चाहिए और अगर हम कोई नेक काम नहीं कर सके तो तकदीर को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए अल्लाह ही को मंजूर नहीं था कि मैं हज करने जाती अल्लाह ही को मंजूर नहीं थी ये जुमला निकाल दें अपनी जिंदगी अल्लाह को मंजूर नहीं था ठीक है लेकिन ये कि आप इस तरह के नेगेटिव वे में ना कहें तो आप क्या कहें इनशाला अल्लाह चाहेगा तो फिर ले जाएगा हम कोशिश करते रहे और आठवीं बात यह की तकदीर पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए इस पे गुफ्तू की महानियत है नबी सलम ने फरमाया जब मेरे सहाबा का तस्कर होने लगे तो खामोश हो रहे यानी उनकी गलतियों और उनकी कोताही पर कोई बात नहीं करना जब सितारों का जिक्र लगे तो खामोश रहना करना जब तकदीर के मसले का जिक्र होने लगे तो खामोश रहना क्यूँकी ये अल्लाह का राज है तकदीर क्या है अल्लाह का राज है हमें नहीं बताया उसने की वो कोई काम क्यूँ कर रहा है और जरूरत भी नहीं उसको हमें बताने की लिहाजा इस पर अपनी तरफ से कोई फैसले नहीं करने चाहिए और बहस मुबाइसे नहीं करने चाहिए एक दफा साहबा कुछ ऐसा ही कर रहे थे तकदीर पर बहस कर रहे थे तो रसुल्लाम ने देखा तो गुस्से में आ गया हत्या कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया गोया आपके चेहरे पर अनार के दानों का रस न छोड़ दिया गया फिर इसी तरह यह है की जब कोई ईमान लाता है तो फिर अल्लाह सुबहान तला के हुक्म की तामील करता है ये चीज इंसान को शिरक और कुफर से बचा देती है फिर शराब पर एतराज से इंसान बच जाता है तकदीर पर ईमान से इंसान का इरादा और यकीन तवक्ल पुख्ता होता है दिल मुतम हो जाता है याद रखिये की दिल को इतमान और चैन हासिल नहीं हो सकता जब तक तकदीर पर ईमान न हो और तकदीर पर राजी रहने वाले की दुनिया भी जन्नत बन जाती है की वो तो वो राय जो मेरा रब चाहता है और मेरा रब जो चाहता है वो सबसे बेहतर होता है इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं अब यह है कि हमें कुछ दुआएं भी मांगनी चाहिए ताकि अच्छी तकदीर हासिल हो और बुरी तकदीर से बच जाए जिसमें कोई भी चीज जो आपको बोदर करे की मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही ये मामला बहुत मुश्किल आ गया है तो कसरत कर दे हस भी अल्लाह अला हुआ अलह ही तवक्ल तो वह मुझे मेरा अल्लाह काफी है क्योंकि मुश्किल वक्त में ना सब साथ छोड़ जाते हैं प्यारे से प्यारे रिश्ते भी दूर हो जाते हैं अपने भी गैर हो जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह को पुकारे हस भी अल्लाह अला अल्लाह हुआ अलही ही तवक्ल तो

अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना फंसुर तो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है इसकी तकरार कर देनी चाहिए कसरत कर देनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की मदद के बगैर ना कोई चीज फिर सकती है टल सकती है और ना ही कुछ करने की कुत हमें हासिल हो सकती या अल्लाह की मदद के बगैर नेकी करने की ताकत नहीं होती और बुराई से बाज रहने की हिम्मत नहीं होती सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है जब बंदा ये कहता है तो फिर बंदा दरअसल अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर देता है अल्लाह ताला उसको अपनी सरपरस्ती में ले लेता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें तो जन्नत के खजानों में से किसी खजाने का नाम बताऊं? मैंने कहा क्यों नहीं आपने फरमाया वाला आपको बता बिल्ला अब हरारा कहते हैं मैं समझता हूँ कि आपने ये भी फरमाया कि इस पर जब इंसान लाउला वाला अकुवत है अल्लाह बिल्ला कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने सर तस्लीम खम कर दिया और खुद को मेरे हवाले कर दिया कर दिया हॉल का क्या मतलब होता है तब्दीली होना कोई चीज तब्दील नहीं हो सकती अल्लाह बिल्ला लाह वाला कुत और कोई स्ट्रेंथ ताकत रिसोर्सेज मुझे नहीं मिल सकते मगर अल्लाह ही की मदद से ला है वलावता ला है मतलब फिर ना ये तकलीफ दूर नहीं हो सकती ये तकदीर नहीं टल सकती ये मुश्किल आसान नहीं हो सकती ये चीज़ जो मुझे बॉदर करती है जिंदगी से नहीं जा सकती मगर अल्लाह की कुत से जरूर जा सकती है वला कुत्ता मेरे पास कोई कुत नहीं किसी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो मुझे कोई चीज दे सके मगर अल्लाह के पास सारा इख्तियार है तो मामला हमने अल्लाह के सपोर्ट कर दिया ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है नबी सल्लाम के फरमान के मुताबिक ये जन्नत में पौधे लगाने वाला अमल है इस कलमे को कसरत से कहने का हुक्म दिया गया है अबू जर कहते हैं मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात चीजों की वसीयत की उनमें से एक यह है कि मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत कर दूं और जिसका ये आखिरी कलाम हो ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह उसको आग नहीं छुएगी बंदा जब कहता ला है ला इलाहा अल्लाहअ वल्लाहु अकबर तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं सबसे बड़ा हूँ जब बंदा कहता है ला अला तो वो फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा मुझे अकेले के सिवा कोई माबूद नहीं जब बंदा कहता है ला इलाह ला शरीक अला तो वो फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई मबूद नहीं मेरा कोई शरीक नहीं जब वो कहता है ला अला व लहुल को तो वो फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई मबूद नहीं बादशाह ही मेरे लिए है तारीफ ही मेरी ही है और जब बंदा कहता है ला अला वाला अकूत अला तो अल्लाह तला फरमाता है मेरे बंदे ने सच कहा मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और मेरी तोफी के बगैर कोई बचाव नहीं और नेकी की ताकत नहीं और जिसे मौत के वक्त ये कलेमात नसीब हो गए उसे आग नहीं छुएगी ये कलेमात क्या है लाइला अकबर लाइला हम लाला एक और दुआ भी पढ़नी चाहिए बुरी तकदीर से बचने के लिए अल्लाह इन्नी आऊ ودرك श वसू अल कदाई व शमातिल आदाई अल्लाह बेषक मैं तेरी पनाह में आता हूँ सख्त मुसीबत बदब्ती लाक होने से बुरी तकतीर और दुश्मनों के खुश होने से सबसे पहली चीज मुसीबत की सख्ती जह दिल बला यानि ऐसी मुसीबत जिसके बर्दाश्त करने की इंसान में ताकत ना हो कि उस मुसीबत की वजह से इंसान का ईमान चला जाए या जिंदगी चली जाए अल्लाह ऐसी मुसीबत न डालना हम पर आजमाइशें दो तरह की होती है एक जिसमानी होती है एक जहनी होती है मसलन बीमारियां हैं, पेट दर्द हो गया सीने में दर्द हो गया सर दर्द हो गया ये भी आजमाइश और मुसीबत है कुछ नहीं होती है कल भी होती है कि जिसकी बिना पर इंसान के दिल के अंदर परेशानी और डिस्टर्बेंस और एक डिप्रेशन की कैफियत होती है कभी इंसान की ऊपर कोई इल्जाम तराशी हो जाती है कभी कोई उसके साथ बदसलूकी करता है ये सारी चीजें जहदुल बला में से है यानी आजमाइश की ऐसी मुशक्कत जो बर्दाश्त नहीं हो रही हर वक्त चिमट गिया में अल्लाह ऐसी मुसीबत से बचाना कि जो हमारे नॉर्मल हालात को हमारे लिए अब नॉर्मल कर दे और जो हम अच्छे अच्छे काम कर रहे थे वो हमसे सारे जाएं। जाए आप देखें कि जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है कितनी राहत मिलती है जब इंसान अल्लाह के दिन की, की खिदमत करता है कितनी राहत मिलती है जब इंसान किसी इंसान की खिदमत करता है कितनी खुशी हो जाती है लेकिन जब अगर इंसान बीमार पड़ जाए क्या इसमें से कोई एक काम भी कर सकता है अब क्या हुआ एक तो बीमारी की वो तकलीफ जो मुसलसल दर्द हुए जा रही है होश बुला दिए जिकार बुला दिए न इबादत हो रही है न कोई दीन की खिदमत हो रही है न किसी इंसान की खिदमत हो रही कुछ भी नहीं हो रहा यह है जहदुल बला मतलब ऐसी कैफियत से बचा लेना की कि हम किसी काम के ना रहे हम नेकियों में आगे न बढ़ सके क्यूँकी ऐसे में इंसान का सब्र बर्दाश्त भी कम हो जाती है इससे पनाह मांगनी चाहिए फिर आप देखें कि कुछ मुसीबतें ऐसी होती है उससे ईमान डावा डोल हो जाता है अल्लाह ताला बचा के रखे नेकी के काम इंसान को अच्छे नहीं लगते खैर और भलाई के कामों से दूर हो जाता है वो चीजें इंसान को हक से फेर देती हैं, खैर से फेर देती हैं, मुंह से ऐसे लफ्ज निकलने लगते हैं क्या फायदा हुआ कुरान पढ़ के पढ़ा के नव जुबिल्ला क्या फायदा हुआ दीन की खिदमत करके क्या फायदा हुआ ये करके सारे अमल बर्बाद किया कराया बर्बाद इसलिए बला से पनाह मांगे दूसरा दरक उस शका तरक का मतलब तो पाना किसी चीज को मिलना कहीं पहुंच जाना और शका कहते हैं, वो चीज़ जो तबाही तक पहुंचा दे और ये आदत के बरक्स होता है यानी मुझे इस बात से बचा कि मुझे मेरी दुनिया मेरी जान मेरे अहल मेरे माल या मेरी आखिरत में कोई ऐसी मुशक्कत लाक हो कि उसके सब से जो मैं गुनाहों नाफरमानियों के अमल करने लगू क्यूकी कुछ लोग क्या करते हैं जब उन पर कोई तकलीफ आती है वो जादूगरों के पास पहुंच जाते हैं वो नजूमियों के पास पहुँच जाते हैं उनसे गायब की खबरें मालूम करने लगते है किया हो जाता है फिर है सुल खुदा बुरी तकदीर से यानी वो चीज़ तकदीर का फैसला नाफिज हो जो इंसान को दुखी या गमगी कर दे या उसको नापसंदीदा तकदीर में मुब्तला कर दे जिसके नतीजे में उसके दीन दुनिया नफ्स अहल माल औलाद और खात्मे किसी भी चीज में वो चीज़ वाकई हो सकती है और सोयल कजा में एक ये चीज भी आती है कि इंसान को गलत फैसला कर ले अपने बारे में या किसी के बारे में या अल्लाह का कोई फैसला इंसान को दुखी कर दे ये भी सोयल खजा है उसका दुख इतना हो कि उससे वो निकल ना पाए और फिर इंसान सोचे समझे बगैर कोई फैसला करे बगैर आकेबत और अंजाम को देखे हुए बस सिर्फ जज्बात में आके किसी हालत और किसी परेशानी मुसीबत में पड़ के वसन बाजुकत हम को नेकी का, का काम कर रहे होते जैसे जैसा वो बकर जो थे वो मिस्ता को महाना वजीफा देते थे जब ने इल्जाम लगाया हजरत आयशा पर या उन लगाने वालों के साथ शामिल हो गए तो हजरत वक्र ने क्या कहा अब मैं नहीं दूंगा इसको कुछ इसने मेरे एहसान का ये बदला चुका है। क्या हम में से हर बंदा यही नहीं करता कि जिस पर आप एहसान कर रहे तो वो आपके साथ कुछ कर दे तो आप कहते हैं बस मेरी खैर बंद तो अल्लाह तला ने क्या फरमाया उनको तो वही के जरिए बता दिया गया था कि नहीं अल्लाह तो हिबून आई फिर अल्लाह को तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ कर दे हमें कौन बताएगा हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा लेकिन अगर हम कुरान पढ़ना पढ़ा ही छोड़ देंगे तो हमें कहाँ से पता चलेगा ये सब कुछ की अपनी जिंदगी में क्या करना है हमारे लिए गाइडेंस क्या है तो फिर ऐसी सूरत में ये सूल कजा है बुरे फैसले और कजा फैसले को भी कहते हैं डिसीजन को भी कि मसलन आप कोर्ट में अपना कोई मामला लेके जाते हैं और आपके खिलाफ कोई फैसला हो जाता है ये भी सूल कजा है या लोग आपके बारे में बुरी तरह जजमेंटल हो जाते हैं ये भी सूल कजा है लोग आपके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह सुबहान तमे सजा से बचाए वह शमात तो तलादा किसी मुसीबत पे दुश्मनों का खुश होना या इस चीज से भी हमें महफूज रखना और फिर एक और दुआमती का वह तहबली आफियत का वह फुजाति निकमती का वह जमीति का अल्लाह बेशक मैं तेरी पना लेता हूँ इस बात से की तेरी दी हुई कोई नमत मुझसे छिन जाए तेरी दी हुई आफियत पलट जाए कोई नागहानी आजाब आए और तेरी तमाम नाराजगी से तेरी पना लेता हूँ कि तू कभी मुझसे नाराज हो और वह असअल कर रदा बदल कदा अस अल कर रदा बदल कदा या तकदीर नाफिज होने के बाद मुझे राजी कर देना यानी मैं उस पर नाराज ना हूँ तो अल्लाह के फैसलों पर राजी होना जो है ये भी दिल के सुकून और इतमान का जरिया है या बिन मास से कहा गया बंदा अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने के मकाम पर कैसे पहुंच सकता है तो उन्होंने कहा जब वो अपने नफ्स को चार चीजों पे कायम कर लेता है जिनके साथ वो अपने रब के साथ मामला करता है नंबर एक वो कहता है अल्लाह अगर तू मुझे अता करेगा मैं कबूल करूंगा दूसरा वो कहता है अगर तू मुझे महरूम रखेगा मैं राजी रहूंगा तीसरे अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी इबादत करूंगा चौथे अगर तू मुझे बुला लेगा यानी मौत मेरी आएगी तो मैं तेरी पुकार पे लब बैक कहूंगा तो सिर्फ मोमिन ही अल्लाह के फैसलों पे राजी होता है लिहाजा सुबह शाम तीन दफ़ा पढ़े रजीत मोहम्मद बिल्सलामी जो शख्स कहता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और फिर बितर की नवाज में वारिकली फीमा आकईद वकी शर्रमा कदैद इन तकदी वाला और मेरे लिए उस चीज़ पर बरकत दे दे जो तूने मुझे अता की है मुझे उस चीज की बुराई से बचा जो तूने मुकद्दर कर दी है तू फैसला करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता लिहाजा इंसान अल्लाह सुबह से दुआएं करता रहे और अल्लाह की रजा पे राजी रहे तो असल में तकदीर क्या है अल्लाह के फैसले हैं। हमारे पार्ट पे क्या है हम उन पे राजी रहे और उसकी इबादत न छोड़े और उसका डर ना छोड़े उससे दुआ न छोड़े इसरार और तकरार के साथ